हेलो गाइस आज हम लोग पढ़ते हैं स्टैंडर्ड नाइन जीबीएससी का लेसन नंबर टू दैट इज़ अ कुल्लश आचार्य उसका मतलब होता है फैमिली ट्रेडिशंस आचार का मतलब होता है ट्रेडिशंस और कुल्लश का मतलब होता है फैमिली थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन्स दे देती हूँ कुल्लश आचार्य का यहाँ पे एक्चुअली बर्ड के एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे हम लोग को ये बताया गया है कि कैसे हमारे जो ओल्ड ट्रेडिशंस है वो हमारी लाइफ को बेटर बनाने में मदद कर सकते हैं यहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है चटाकफ बर्ड की फैमिली से वो अपनी मम्मी का कहा ना मानकर अपना ट्रेडिशन ना मानकर वो पानी पीने के ज़िद करता है और पौड़ जाने की कोशिश करता है ताकि एक्चुअली बल्कि उनका जो कस्टम है वो बोलता है कि वो लोग सिर्फ पानी पी सकते हैं बादलों का पानी पर वो इतना प्यासा होता है कि वो रह नहीं पाता है तो वो अपना ट्रेडिशन तोड़ के अपनी मम्मी का ना कहा मानकर वो पौंड की तरफ पानी पीने जाता है रस्ते में उसको एक डेड बेड पे पड़ा हुआ ओल्ड इंसान और उनका यंग बच्चा मिलता है जो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं उनसे वो बहुत ही इंस्पायर हो जाता है तो उनके बीच की कन्वर्जेशन उसमें क्या बदलाव लाती है ये देखेंगे हम लोग ये लेसन में और उनके बीच का जो ट्रेडिशन रिलेटेड जो कन्वर्जेशन होता है उससे वो जो चटक बड़ होता है वो बहुत ही इंस्पायर हो जाता है और यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कैसे हमारे ओल्ड जो ओल्ड फैशन जो हमारे कस्टम्स है उसको फॉलो करना चाहिए जो हमारी लाइफ बेटर बनाएंगे यहाँ पे एनिमल को ऑब्जेक्ट बताया गया है लेकिन अल्टीमेटली ह्यूमंस को ही ये संदेश देने की बात की गई है कि किस हिसाब से हम लोग हमारे ट्रेडिशन को फॉलो करके हम लोग अपना जो हैबिट है विल मेकिंग अवर ओन कंपोजिशंस लाइवली एंड कलरफुल ताकि हम लोग हमारी लाइफ थोड़ी कलरफुल बना पाए लेसन की शुरुआत करते हैं एक चाटक शिशु आसित इसका मतलब होता है देर वॉज अंग वन ऑफ अ चटाका बर्ड सह एकदा तृष्ट तृषया तृषाया पीरीटा जनसमीप व्रजती वंस बीइंग एफ्लेक्टेड बाय द थर्स्ट टू द मदर एंड से जननिया सॉरी अम्ब तृषा म पीरीट मदर एम थी अहम जलश पाइा आई विश टू ड्रिंक अ वाटर समप्रति मेघ जलम न मिलती अतः तड़ाग जलमे पात नाउ द वॉटर ऑफ क्लाउड इज नॉट अवेलेबल सो आई विश टू ड्रिंक द वॉटर ऑफ द लेक ओनली जननी मदर वी मदर्सेज बाघजलमेंव पीबा जड़ाक जलम न मदर मदर्सेज बट वी ड्रिंक ओनली द दटर ऑफ अ क्लाउड वी डू नॉट ड्रिंक द वॉटर ऑफ अ लेक लेक्श अस्माकुल आचार इज द ट्रेडिशन ऑफ अवर फैमिली अतः त्वग तव तड़ाक जलम पातुम न शक्नोमी सो यू कैन नॉट ड्रंक सॉरी यू कैन नॉट ड्रिंक द वाटर ऑफ अ लेक यहाँ पे एक्चुअली जो मम्मी है वो अपने बेटे को एक्चुअली जो एक बर्ड बेबी होता है वो अपनी मम्मी के पास जाके बोलता है कि वो बहुत ही थसती है उसको पानी पीने की बहुत ज़्यादा थर्स लगी हुई है प्यास लगी हुई है सो उससे नहीं रहा जाएगा उनके ट्रेडिशन उसको पता है कि बादल का पानी ही वो लोग पी सकते हैं लेकिन वो इतना प्यासा होता है कि वो उसकी मम्मी से जिद करके बैठता है कि नहीं मैं तो जाऊँगा और मैं पानी पीऊँगा वो नदी का जलाशय का पानी पी लूँगा सो उसकी मम्मी बोलती है कि यह हमारा ट्रेडिशन नहीं है तो तू पानी नहीं पी सकता है सेकेंड पैराग्राफ देखते हैं चातक शिशु कथयति द यंग वन ऑफ अ चटाका से महति मे तृषा मदर आई एम वेरी थर्स्टी अधुना आकाशे मेघा न पश्यति नाउ आई डू नॉट सी द क्लाउड इन द स्काई कदा मेघ वर्षति कदा अहम चाहें मेघजलम पात शक्नोमी न आई डोंट नो व्हेन द क्लाउड विल शावर एंड व्हेन आई विल बी एबल टू ड्रिंक द वाटर ऑफ द क्लाउड अतः तृषया पीड़ितो हमें तड़ाक जलम पातुम गच्छा में सो बींग एफ्लिक्टेड बाय द थर्स आई एम गोइंग टू आई एम गोइंग टू लेक टू ड्रिंक द वाटर यहाँ पे अगर आप हिंदी में समझना चाहो तो ये हो सकता है उसका ट्रांसलेशन कि जो यंग चटा का बर्ड है वो उसकी मम्मी को बोलता है कि मैं बहुत ही प्यासा हूँ मुझे कहीं पे क्लाउड uh, तो दिख नहीं रहे आकाश में सो so, uh, मुझे नहीं पता वेदर ये बारिश लाएंगे नहीं लाएंगे और वो भी तो श्योर नहीं है सो so, मुझे तो बहुत थर्स लगा हुआ है तो मैं जा रहा हूँ पानी पीने के लिए पॉन्ट के पास जननी पुनर चातक शिशु बोधयती मदर अगेन एडवाइज़ द यंग चटाका बाल न अय अस्माक चाइल्ड दिस इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन्चारा सदव रक्षय फैमिली ट्रेडिशन हेज टू बी प्रिजर्व अतः ढागजल पात न सो यू हैड अ बेटर नॉट टू ड्रिंक द वॉटर ऑफ अ लेकृषाया सहन मेघस्य प्रतीक्षा कर तुम आहर्षित हम यू शुड बीअर द थ्रस्ट एंड वेट फॉर द क्लाउड टू शावर यहाँ पे उसकी मम्मी उसको बारी बारी बोलने की कोशिश करती है बारी बारी एडवाइस करने की कोशिश करती है कि बेटा ये हमारा ट्रेडिशंस नहीं है बेटर तू अपना हमारे फैमिली का ट्रेडिशन प्रिजर्व कर ये बेटर है कि तू का पानी ना पी और जो धस्त है उसको सहन करना सीख और वेट कर जब भी बारिश लाएंगे ये क्लाउड्स जननिया कथनमु चाटक शिशु तड़ागजल पाँव तड़ागं निगछति नॉट पेइंग हिट टू दि मदर्स एडवाइस द यंग चटाका एक्सिस्ट टू गो टू द लेक टू ड्रिंक द वॉटर ऑफ द लेक मगे परीक्षाता सह यदा एकषक गृह सेमीपे ठति तातपुत्र वर्ताप श्रृणति ऑन द वे वेन् बींग द फार्मर्स हाउस ही He हर्ड the conversations ऑफ the फादर एंड the सन जब उसकी मम्मी उसको इतना ज़्यादा एडवाइस करने की कोशिश करती है तो उसकी मम्मी की एडवाइस को वो ध्यान नहीं देता है और फिर वो चला जाता है वो लेक का पानी पीने के लिए जब वो रस्ते में जाता है तो वो रस्ते में थोड़ा थक सा जाता है तो एक फार्मर का हाउस बीच में आता है वो उनके बेटे और उनके पापा जो बहुत ही डेड बेड पे पड़े होते हैं मरने की हालत में होते हैं उनके बीच का कन्वर्जेशन सुन लेता है और वहाँ से उसका ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है कृषक वृद्धमसन च आसि फार्मर वाज ओल्ड एंड वाज अबाउट टू डाई डाय तमीपे स्थित तस्त्र तस्में कृष्णकाय कथयती हिस् सन् हू वॉज स्टैंडिंग नियर हिम टेल्स द फर् तात मगे मैं धनश्युता है फादर टुडे अ मनी बैग वॉज फाउंड बाई मी ऑन द वे तरह दर्शना आनंद जाता इट्स साइड डेलाइट्स मी तैन मदीय दारिद्रम नष्ट विचार्य भचार्य धनचुतग्रहा अहम हस्त प्रसार थिंकिंग दैट माई पॉवर्टी विल बी एंड बाय दस आई रीच आउट मई हैंड किंतु तदेव मैं भविष्य उपदेश स्मृत बट इमीडिएटली आई रिमेम्बर युर एड्वाइज अने धन्य गृहश् अस्मा कुलाचार न इति इट इज नॉट अवर फैमिली ट्रेडिशन्स टू टेक द मनी ऑफ द अदर अत हम तम धन्यशुतम तत्र हत्यम सो आई लेव द मनी बैग देर ओनली यहाँ पे एक्चुअली जो फार्मर होता है वो जस्ट अबाउट टू डाइवो मनी वाला होता है तो उसका बेटा जो उसके पास खड़ा होता है वो बोलता है कि पापा आज मुझे रास्ते में ना मनी का पूरा बैग मिला मैंने सोचा कि यार इससे तो हमारा जो गरीबी है वो पूरा दूर हो जाएगा आ, मैंने अपना हाथ भी बढ़ाया उसको लेने के लिए बट इमीडिएटली मुझे आपका एडवाइस याद आ गया कि किसी के धन की लालच करना वो हमारा ट्रेडिशन नहीं है वो हमारा धर्म नहीं है वो ये हमारा ट्रेडिशन नहीं सिखाता है सो so, मैंने वो पैसे की बैग वही छोड़ दी है चाटक शिशु सर्व शुणोती द यंग चटा का हियर इट ऑल स विचारियति हि थिंग्स अहो मन्नासन वृद्ध तत्पुत्रच स्वकीय कुलाचार पालयुत किदर्शु श्रद्धा ओ How great it is to fate of an old man on his dead bed, his son to maintain uh, the family traditions. Aham tu kulacharam na palyati. But I am not observing our family traditions. Vayam megjalamev pibamaha iti asmakam kullacharaha. It is our traditions that we drink only the water of a cloud. Tamaham tyaktum pravate. I was about to give it up. इत अनुचित अस्ती दिस इज नॉट प्रॉपर वो यहाँ पे ऐसा बोल रहा है चातक खुद ये सब ऑब्जर्व करके कि यार ये तो आ, मतलब उसके पापा मरने की बेड पे है फिर भी वो अपने ट्रेडिशन को कितने अच्छे से सुनता है अपने पापा का कहा कितना अच्छे से सुनता है मैं तो अभी जो अपने जो ट्रेडिशंस के बारे में गौर नहीं कर रहा था और मैं अभी तोड़ने चला था शायद मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है पशव पक्षिण श्रेयव मानवाश सदाशयाम रक्षती स्वकुलाचारम रक्षा मी कुलुमात्मा इसका मतलब होता है ही थिंक्स बीस्ट बर्ड एंड द वेल मीनिंग ह्यूमन बींग मेंटेन देयर ओन फैमिली ट्रेडिशन आई विल ऑल्सो टेक केयर ऑफ माई फैमिली एंड हिज ट्रेडिशंस इसका मतलब ये होता है कि वो सोचते हैं कि अगर छोटे से बीस्ट बीस्ट uh, में बहुत सारे आ गए टाइगर लायन रीच ये सब के सब बीस्ट में आते हैं बर्ड्स जो अपने ट्रेडिशंस का इवन ह्यूमन बींग जो अपने ट्रेडिशन का इतना फैमिली ट्रेडिशन का इतना मानते हैं तो फिर मुझे भी अपने फैमिली का और ट्रेडिशन का ख्याल रखना चाहिए इवं विचित सह मतर प्रत्यागते सर्व वृद्धांत ची थिंकिंग ही रिटर्न टू हिज मदर एंड नरेटेड द होल अकाउंट टू हाथ सतोन्मती मदर एक्सपीरियंस सेटिस्फाइड्स च आशीर्वाद ददा ब्लेस हिम ये सब सोच विचार करके वो अपनी मम्मी के पास जाता है और ये पूरी स्टोरी जाके उनकी मम्मी को बताता है उनकी मम्मी बहुत ही खुश हो जाती है और ब्लेस करती है उन्हें अल्पे एवं काले मेघवृष्ट भवती इन शॉर्ट टाइम ओनली द क्लाउड शावर रेन थोड़े ही टाइम में बारिश होने शुरू हो जाती है मेघ जलम पीतवा चातक शिशो त्रुष्ता शाम्यती दर्स ऑफ द यंग चटाका बर्ड इज सेटिस्फाइड वैसे करके जो बर्ड की जो प्यास होती है वो बुझ जाती है बारिश होने की वजह से थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर वॉचिंग अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में